नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसी में, मतलब 1 टन हो गया, 1.5 टन हो गया और 2 टन हो गया। तो 1 टन में जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग चीज के बारे में, अलग अलग नॉलेज की। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में। जैसे कि एसी चालू कंडीशन में है और उसके पास जो है उसमें गैस पूरा फुल है तो कितना एम्पियर लेगा। फ्री लोड मतलब कहने मतलब गैस पूरा निकला हुआ है, ओनली कंप्रेसर चलेगा तो कितना एम्पियर लेगा, मतलब कोई लोड नहीं है उसके ऊपर, सिर्फ इंडोर चल रहा स्प्लिट एसी का, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, तो कितना एम्पियर लेगा। विंडो एसी का फैन मोटर मतलब कि सिर्फ विंडो एसी चल रहा, कंप्रेसर मतलब विंडो एसी चल रहा लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा, फिर कितना एम्पियर लेगा। कंप्रेसर ये कंप्रेसर है तो 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में कितना माइक्रोफैराड की कैपेसिटी लगाइएगा, ये सारा कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। बाकी इसमें सारा कुछ और भी सारा कुछ है, उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें जानकारी लेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक समझेंगे। बस ये 5 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगा, 5 मिनट लगेगा भी नहीं। तो सबसे पहले चीज जो है आपका फुल एम्पियर, फुल लोड एम्पियर। फुल लोड एम्पियर क्या होता है, जब एसी में गैस भरा हुआ है, एसी बिल्कुल सही कंडीशन में काम कर रहा है, उसको क्या बोले, क्या बोलते हैं, फुल लोड एम्पियर। तो यहाँ पर जो है 1 टन का अगर एसी है तो 4 से 6 एम्पियर लेगा, वो स्टार रेटिंग के ऊपर निर्भर करेगा। कुछ एसी छोड़ करके, कुछ एसी में क्या होता है वो आगे पीछे होता है, नॉर्मली है कि लगभग 99% एसी में 4 से 6 एम्पियर। 1.5 टन के एसी है तो 6 से 8 एम्पियर और 2 टन के है तो 8 से 10 एम्पियर। ये चीज आपको नन इन्वर्टर एसी के बारे में बता रहे हैं। अब इन्वर्टर एसी की बात कीजिएगा तो वो टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। 2 टन के बेसी 4 एम्पियर पर, 5 एम्पियर पर लगातार काम करते रहता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से, सेट टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से सारा कुछ इन्वर्टर एसी काम करता है। तो इन्वर्टर एसी प्रॉपर एक क्लास से चलता है। यहाँ पे देखिए फुल लोड एम्पियर, तो ये फुल लोड एम्पियर समझ में आ गया। अगर फ्री लोड एम्पियर मतलब कि उसमें गैस भरा हुआ नहीं है, सिर्फ खाली कंडीशन में चल रहा, उस कंडीशन में कितना एम्पियर लेगा खाली में, ओनली कंप्रेसर। तो अगर 1 टन का है तो 2 से 2.5 एम्पियर लेगा, मैक्सिमम जाएगा 3 एम्पियर जाएगा। 1.5 टन का 3 से 4 एम्पियर और 2 टन का 4 से 5 एम्पियर लेगा, इस तरह से। बाकी कंप्रेसर में कुछ अगर गड़बड़ी है तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे ले सकता है, बाकी उसमें भी लगभग लगभग काम कर जाता है कंप्रेसर। अब है कि सिर्फ इंडोर चल रहा, आउटडोर नहीं काम कर रहा, सिर्फ इंडोर चल रहा, बल्बर मोटर चल रहा और डिस्प्ले दिखला रहा और आउटडोर नहीं चल रहा, तो 1 टन, 1.5 टन, 2 टन कितना एम्पियर लगा, लगभग लगभग वही 0.2 से लेकर 0.4 तक एम्पियर में मतलब बल्बर मोटर खींचा जाता है। 0.4 जल्द लेता है नहीं, इसलिए 0.3 लिखवाए। अब विंडो एसी फैन मोटर, सिर्फ विंडो एसी का फैन मोटर चल रहा मतलब कि आउटडोर ये कंप्रेसर नहीं चल रहा विंडो एसी का, और सिर्फ विंडो एसी चल रहा मतलब विंडो एसी चल रहा कंप्रेसर नहीं चल रहा, इसका मतलब फैन मोटर चल रहा। तो फैन मोटर या ब्लोअर मोटर तो वो कितना एम्पियर लेता है, तो 0.6 से लेकर 1 एम्पियर तक मैक्सिमम लेता है। तो 0.6 हो गया 1 टन में और 0.8 हो गया 1.5 टन में और 1 एम्पियर हो गया 2 टन में। हाँ ये चीज है, कुछ मॉडल में 1.5 टन में भी 1 एम्पियर लेता है और 2 टन में जैसे 1 एम्पियर लिखवाए तो कुछ मॉडल में 1.5 एम्पियर तक भी चला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोटर के हिसाब से अलग अलग कंपनी डिसाइड करता है। अब एक कंप्रेसर कैपेसिटर, अगर 1 टन के से तो कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाएंगे, तो 1 टन के से तो 30 माइक्रोफैराड लगाएंगे और 36 लगाएंगे। हाँ कुछ एसी में, 40 माइक्रोफैराड का भी कैपेसिटर लगता है 1 टन एसी में, ये चीज आपको, इसीलिए आपको 40 माइक्रोफैराड भी यहाँ पर दर्शाया है। अब है कि 1.5 टन में, 1.5 टन में कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगेगा, वहाँ पर लगने वाला आपको 40 और 45, हाँ कुछ मॉडल में 50 का लगेगा, तो नॉर्मली अधिकतर में जो आपको लगाना है 40 और 45, ठीक है, तो 50 भी कुछ मॉडल में लगता है। अब यहाँ पे है कि 2 टन में कितना लगेगा, तो 50, 55, 60, ये 3 कैपेसिटर मॉडल जैसे लिखवाए, ये चीज़ देख लेना, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, मिनिमम इस तरह से आपको लगाना होता है। जितना अधिकतर जो जितना भी लिखवाए हैं सब में अधिकतर जो बीच वाला सबसे अधिक यूज होता है, जैसे कि 1 टन है 36, 1.5 टन है तो 45, 2 टन का है तो 55 का। अब इंडोर का फैन मोटर या इंडोर ब्लोअर मोटर बोलते हैं, ये आउटडोर लिखा हुआ ना, तो आउटडोर फैन मोटर का, आउटडोर का अगर फैन मोटर है तो उसका कैपेसिटर कितना माइक्रोफैराड लगता है, 1 टन में 2.5 माइक्रोफैराड का, 2.5 से 3.15 माइक्रोफैराड का और 2.5 से 4 माइक्रोफैराड। जैसे कैरियर का पुराना मोटर हो गया आउटडोर का, उसको 4 एम्पियर मतलब क्या कहते हैं, 4 माइक्रोफैराड तक उसमें कैपेसिटर लगाते हैं। अब यहाँ पर विंडो जैसी फैन मोटर कैपेसिटर, फैन का कैपेसिटर कितना माइक्रोफैराड लगाते हैं, 1 टन का 4 से 5 माइक्रोफैराड, अगर 1.5 टन का है तो 5 से 6 और वही से 5 से 6 आपको 2 टन में भी आता है। स्प्लिट एसी ब्लोअर मोटर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, 1.2 माइक्रो मतलब 1 से लेकर 2 माइक्रोफैराड और 1 से लेकर 2.5 माइक्रोफैराड आपका
आ जाएगा स्प्लिट एसी के लिए बल्ब और मोटर का कैपेसिटर। अब गैस चार्ज की रह गया बात कि एक टन में कितना गैस चार्ज किया जाता है, दो टन में कितना किया जाता है, डेढ़ टन में कितना किया जाता है। तो एक टन में 400 से लेकर 600 ग्राम और डेढ़ टन में 600 ग्राम नहीं का आसपास रहता है, लगभग लगभग 700 ग्राम। तो 700 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम से लेकर 1 केजी तक डेढ़ टन में, और 1 केजी से लेकर के 1.3 मतलब 1300 ग्राम 1400 ग्राम के आसपास आपको दो टन में लगता है ये चीज। हाँ, कुछ मॉडल में आपको 1.5 केजी भी चला जाता है, जैसे कि ओरिजिनल हो गया, कुछ मॉडल में ओरिजिनल के उसमें 1.5 केजी चला जाता है डेढ़ टन के एसी में ही। ऐसा आपकी फील्ड में जब काम करिएगा कुछ मॉडल ऐसा दिखेगा आपको बाद में, तो उसको लेकर नहीं चलना। मैनुअली जो अधिकतर एसी में आता है उसको लेकर चलना। कूलिंग कैपेसिटी रह गया बात, कूलिंग कैपेसिटी एवरेज टन कितना दिखलाएगा आपको पूछेगा कि एक टन डेढ़ टन दो टन कैसे पता करते हैं टन। तो आराम सबसे बढ़िया तरीका है, उस पर स्टिकर सटा हुआ रहता है, उस पर कूलिंग कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है। और सबसे बढ़िया तरीका आपका कूलिंग कैपेसिटी ये होता है एसी का टन पता करने के लिए। तो 3516 वाट बराबर था एक टन, और 5274 वाट बराबर डेढ़ टन, और 7032 वाट बराबर दो टन। मतलब 3516 वाट बराबर एक टन है, तो अब डेढ़ अब उसके अनुसार अपना गुना करते चला जाएगा उतना टन निकल जाएगा। कितना एम्पियर के इसमें लगा सकते हैं, तो एमसीबी जो लगाएंगे 16 एम्पियर के एक टन में, और 25 एम्पियर के डेढ़ टन और दो टन में। उसी तरह वायर का रह गया बात, ढाई एम एम के एक टन में और डेढ़ टन दो टन में 4 एम एम का लगाएंगे। लेकिन ये चीज नॉर्मली देखा जाता है कि मार्केट में 4 एम एम का वायर कोई यूज नहीं करता है, तो वहाँ पर 2.5 एम एम का वायर ही सारा कोई यूज करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 एम एम जब आप करते हैं उस समय किसी भी कंडीशन में वायर पर किसी तरह का प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ता, तो 2.5 एम एम भी काफी है, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 एम एम भी लोड ले लेता। अब यहाँ पे है इनडोर वेट, इनडोर का वजन कितना होता है। तो एक टन का 10 केजी रहेगा, डेढ़ टन का 13 केजी रहता है, और दो टन का 15 केजी। हाँ, 1 केजी 2 केजी आगे पीछे हो सकता है, सारा कंपनी अलग अलग डिजाइन करता तो उसके हिसाब से थोड़ा मोड़ा वेट आगे पीछे हो सकता है। नॉर्मली अधिकतर का यही वेट रहने वाला, ये जो हम वजन लिखे ये ब्लू स्टार के हिसाब से लिखा हुआ। अब ये आउटडोर का वेट, आउटडोर स्प्लिट, ये आउटडोर का स्प्लिट एसी का आउटडोर का कितना वजन रहता। तो एक टन का 33 केजी, डेढ़ टन का 37 केजी, और दो टन का 46 केजी के आसपास, इसमें भी 2-4 केजी आगे पीछे हो सकता। रूम साइज, रूम साइज आपका अगर 100 स्क्वायर फीट का है उसमें एक टन मैक्सिमम, और इससे कि 100 स्क्वायर फीट अगर जगह है तो उसमें एक टन एसी लगा सकते हैं। इससे एरिया अगर बड़ा है थोड़ा सा भी, ये मैक्सिमम एरिया बता रहे हैं, मिनिमम नहीं, मिनिमम एरिया जितना भी रखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम एरिया आप रखते हैं तो अब 100 स्क्वायर फीट रखिए, इतना काफ़ी है, 10x10 का रूम इतना काफ़ी, इससे बड़ा मत कीजिए, इससे बड़ा कीजिए तो रूम ठंडा सही नहीं हो पाएगा, सर ठंडा तो करेगा, एसी में कोई दिक्कत नहीं। 150 स्क्वायर फीट में डेढ़ टन एसी आ जाएगा, 200 स्क्वायर फीट में दो टन का मैक्सिमम एरिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब रह गया लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट इसलिए नहीं लिखा गया कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो आप सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।